नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं आपके बहुत ही प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता कैदी और कोकिला। जैसा कि विद्यार्थियों आप सब जानते हैं, हम किसी भी कविता को शुरू करने से पहले कवि के बारे में ज़रूर जानेंगे। कवि का साहित्य में क्या योगदान रहा, कवि क्या क्या लिखा करता था और उससे समाज पर क्या असर पड़ता था, कुल मिलाकर उनकी जीवनी को भी जानेंगे। जीवनी आपकी परीक्षाओं में भी आती है, तो विद्यार्थियों जीवनियों को ध्यान से आप सुनेंगे और उसे कंठस्थ भी किया करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पाठ में देखेंगे, ऊपर माखनलाल चतुर्वेदी जी की तस्वीर है जो कि बहुत पुरानी है, लेकिन आप उससे समझ सकते हो कितना साधारण जीवन जीते थे। एक मफलर या एक शॉल सा है जिसे लपेटे हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। मतलब सोच कर देखिए, जिस अवस्था में आजकल बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं में होते हैं, उस अवस्था में शिक्षक भी बन गए। कितने कर्तव्यनिष्ठ और कितने लगनशील व्यक्ति रहे होंगे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकार कहते हैं रिपोर्टर्स को, जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए भी लिखा करते हैं। उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। प्रभा एक पत्रिका का नाम था, मैगजीन। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। मैं आपको बता दूं, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जब लिखना शुरू किया था, उन्होंने देशभक्ति के कई सारे गीत देशभक्ति के लिए लिखे थे। और हमारे देश में जो सोई हुई युवा पीढ़ी थी, जिन्हें अपने देश की आज़ादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, उनको जगाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कई तरह की कविताएं इन्होंने लिखी हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। ये भी एक पत्रिकाओं के नाम हैं, कर्मवीर और प्रताप। संपादन मतलब जो कवि, जो राइटर होता है, जो रिपोर्टर होता है, उसके देख रेख में जो पत्रिकाएं निकलती हैं उसे उसका संपादक कहा जाता है, एडिटर। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरटिनी साहित्य देवता, हिम तरंगिनी वेणुलो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ये इनकी रचनाएं हैं, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे आप। हिम किरटिनी साहित्य देवता, हिम तरंगिनी वेणुलो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने बताया, माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े देशभक्त कवि थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना झलकती है, और न सिर्फ देशभक्ति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के लिए जो एक भावना होती है, राष्ट्रीय भावना, उससे जुड़ी हुई कविताएं, उससे जुड़ी हुई रचनाएं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। तो जो कविताएं या हम जो उनकी रचनाएं देखेंगे, उसमें हमें क्या दिखता है? स्वतंत्रता की चेतना दिखती है, आज़ादी की चेतना, आज़ादी के लिए एक संघर्ष, एक लगन, साथ ही देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम माखनलाल चतुर्वेदी को? एक भारतीय आत्मा। किस नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को? विद्यार्थी इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझ लें, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आपको ये कुछ चीज़ ध्यान में रखने वाली है। दूसरी, हिम किरटिनी साहित्य देवता, हिम तरंगिनी वेणुलो गुंजे धरा, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे और याद भी करेंगे। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं।
चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। मतलब जो साज सजावट होती है कविताओं में भाषा की, आप सब बहुत लंबे समय से कविताएं पढ़ते आ रहे हैं, आपने देखा होगा कविताओं में तुकबंदियाँ होती हैं, तो कई तरह के अलंकारों का प्रयोग होता है, तो कभी कभी कविताओं में बहुत ही चमत्कारी पूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे ऐसे नए नए शब्द जिसके कई सारे अर्थ हों, अलंकार तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, वो सब एक तरह से कविता की साजो सजावट है। तो कविता जी साजो सजावट की तुलना में भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं, बातों को अधिक महत्व देते हैं सजावट से ज़्यादा। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो अब हम जो कविता शुरू करेंगे विद्यार्थियों अगली कक्षा में, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कैदी और कोकिला। ब्रितानी उपनिवेशवाद के उपनिवेशवाद जिन्होंने हम पर अधिपत्य कर लिया वो उपनिवेशवाद कहलाते थे। उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है कैदी और कोकिला कविता। ये बहुत ही लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता था, इन सारी यातनाओं को प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, एकाकी अर्थात अकेला है और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वो कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो विद्यार्थी, ये तो हमने आज कवि के बारे में जाना और हमने कविता का एक संदर्भ देख लिया कि कविता किस तरह से हमें जोड़ सकती है। आशा करती हूँ कि आप कविता को पढ़ के रखेंगे, कम से कम उसको गा गा करके पढ़ें, देखें कैसी कविता है। कल की कक्षा में हम कविता के हर एक अंश को विस्तार पूर्वक चर्चा के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद।